नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। बड़ी खबर की गुना से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीणों ने हंगामा किया है। असंतुष्ट गांव वालों ने पथराव किया है, पुलिस और प्रशासन पर पथराव किया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। नाराजगी के बाद आरोपियों का घर तोड़ा गया। महिला के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट के मामले में आरोपियों के घर पर यह कार्रवाई हुई है। पथराव के दौरान कई गाड़ियों के कांच फूटे। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्रवाई से नाराज गांव वालों ने यहां पर हंगामा किया है, पथराव किया है, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। आरोपियों पर जो सख्त कार्रवाई की गई, उससे नाराज थे स्थानीय लोग और उसी के चलते ये यहां पर पथराव किया गया है। दो तस्वीरें और आप तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहले जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, यहीं से मामले की शुरुआत हुई थी। सरकारी जमीन पर दो पक्षों ने कब्जा करने की कोशिश की थी और सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर ही इन दोनों पक्षों के बीच में ये झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद जो दूसरा पक्ष है, आरोपी पक्ष, उसने महिला के साथ ज्यादती की, मारपीट की, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी तस्वीर के सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग उठी थी। गांव वालों ने पथराव कर दिया, पूरी गाड़ी फोड़ दी हमारी। तब की बात है, प्याल की थोड़ी देर पहले की तो बात। क्या 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 कार्रवाई चल रही? कार्रवाई चल रही थी मकान तोड़ने के लिए। गांव वाले विस्तृत होकर उन्होंने पूरा मकान तोड़ा। कहां से आए थे? सब गुना से, नगर पालिका। गाड़ी कितना नुकसान हुआ है? पूरा नुकसान हुआ, गाड़ी पूरी फोड़ दी है। रमाकांत दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत, यहाँ पहले हमने देखा हिंदू संगठनों ने हंगामा किया कार्रवाई की मांग को लेकर, और जब कार्रवाई करने पहुंचा यहाँ पर पुलिस प्रशासन, तो स्थानीय लोग भड़क गए। जी अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला कल से चल रहा है, लेकिन आज जब हिंदू संगठनों ने इस पर जो है उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आरोपियों के मकान तोड़ने की ऑर्डर जारी किए गए। उसके बाद से लगातार लोग यहाँ लामबंद होने लगे थे, और जैसे ही पुलिस प्रशासन वहाँ तोड़फोड़ करने के लिए पहुँचा बुलडोजर लेकर, गाँव वालों ने वहाँ पथराव शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तोड़ा गया है, भारी संख्या में वहाँ पुलिस बल तैनात है और अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि मौके पर क्या और पुलिस बल भेजा जाएगा, किस तरह से वहां पर जो नाराज गांव वाले हैं उन्हें मनाया जाएगा या कार्रवाई होगी? देखिए, नाराजगी दोनों पक्षों में है। पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करने आई थी तो लोगों को लगा कि इनका पूरा मकान डिमोलिश किया जाएगा, लेकिन पुलिस ने बहुत हल्का बल प्रयोग करते हुए कुछ हिस्से को तोड़ा था, जिसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग और उग्र हो गए और नाराज हो गए। उन्होंने पूरा मकान तोड़ फोड़ कर दिया और दूसरे पक्ष के लोग भी आमने सामने आ गए। इसके बाद से पथराव शुरू हो गया और पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तोड़ा गया और लगातार वहाँ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। इसको देखते हुए आसपास के थानों से पुलिस बल वहाँ बुलाया जा रहा है। रमाकांत, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर आरोपियों के घर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसको देखते हुए आसपास जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो भड़क गए और उन्होंने पुलिस टीम पर, प्रशासन की टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन की टीम की जो गाड़ी थी उसे नुकसान पहुंचा है। आपने वो गाड़ी के ड्राइवर की बाइट को भी सुना होगा, बीच में वो तस्वीर जिसके साथ ही पूरे मामले की शुरुआत हुई थी, विवाद की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस तस्वीर में जहां पर महिला के साथ मारपीट की गई थी, और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हिंदू संगठन ने भी यहां पूरे मामले पर आरोपी पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया था। तो मामला सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का था और दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले में कटघरे में थे, लेकिन महिला के साथ मारपीट को लेकर जो हिंदू संगठन के लोग थे वो भड़क गए थे और उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की थी।
सावन महीने की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं को रक्षाबंधन के त्योहार पर 250 रुपए देने की घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक के दौरान इसकी जानकारी सीएम यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी। उन्होंने कहा कि सावन की शुरुआत हो चुकी है, इसी महीने राखी का त्योहार भी है, इसीलिए अगस्त माह की पहली तारीख को लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से 324 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई आईटी पॉलिसी बनाई गई है। मार्केटिंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, पेटेंट फाइलिंग में सहयोग करेंगे। आईटी के क्षेत्र में सस्ती दरों पर भूमि देंगे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी। कैबिनेट बैठक में ये निर्देश भी सीएम ने दिए कि सावन के महीने में शिव मंदिरों के आसपास का माहौल अच्छा रहे, इसके लिए मंत्री जिलों में ध्यान रखेंगे। महीना प्रारंभ हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का संकल्प लिया सर्वहारा वर्ग का, और जो खास करके मोदी जी ने चार जातियाँ बताइए, महिला, युवा, किसान, गरीब, ऐसे में बहनों के लिए सावन माह में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर 1250 की जो राशि मिल रही है उसके अतिरिक्त इस माह अगस्त में रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये प्रति बहन के लिए विशेष रूप से अलग से खाते में राशि डाली जाएगी। और हमने सामाजिक बंधुत्व के भाव के आधार पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, समस्त जनप्रतिनिधियों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वे 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त रक्षाबंधन तक अलग अलग बस्तियों में, मोहल्ले में, गांवों में, जहां जहां बहनें रहेगी, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को संपन्न करेंगे। आइए हम सब अपनी बहनों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहन भाइयों के लिए एक अद्भुत पल होता है। मेरी अपनी ओर से सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आम बजट का स्वागत किया, कहा कि यह बजट महंगाई को काबू करने में मदद करेगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोलेगा। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर सकारात्मक कदम है। बजट से मध्य प्रदेश के विकास को भी गति मिलेगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुताबिक केंद्रीय बजट बेहद अच्छा है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्यप्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्यप्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि बजट आगामी आने वाले 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला, उस संकल्प के लिए खाका तैयार करने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मेरी देश की ये पांच जातियां हैं, उन चार जातियों को सशक्त कैसे बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर ये प्रावधान किया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बजट पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने हाथ में झुंझुना लेकर प्रोटेस्ट किया और केंद्र सरकार पर एमपी को बजट में झुंझुना देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना है कि एमपी ने 29 सांसद दिए, बदले में सिर्फ झुंझुना मिला।
युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। बजट ने मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बजट आया तो सिर्फ ये झुंझुना दिखाई दिया। आज ये झुंझुने से सांकेतिक प्रदर्शन करा है और सरकार से मांग करते पुनः विचार करे और बजट में मध्य प्रदेश को जैसे 29 सीट जीत के मध्य प्रदेश के लोगों ने दिए, ऐसी मध्य प्रदेश को अलग से 1,00,000 करोड़ का पैकेज दे। बड़ी खबर भोपाल से, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है अगले 24 घंटों के लिए। ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना में भी जोरदार बारिश होगी। 24 और 25 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन दो दिन की तारीखों को लेकर दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, मंदसौर और अलीराजपुर में भी बारिश होगी। सिवनी, मंडला में अति भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया है। 25 जुलाई से साइक्लोनिक सिस्टम कमजोर होगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मानचित्र बना हुआ है। ये मानचित्र क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि जो कल का जो लो प्रेशर एरिया था वो आज जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन के इसमें तब्दील हो गया है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है झारखंड के ऊपर बसा हुआ है और ये जो मानसून ट्रफ जो राजस्थान से होते हुए जा रहा है वो एक्चुअली जो है राजस्थान से होते जाने के बाद वो ग्वालियर और खजुराहो से होते हुए उस पर्टिकुलर मानसून ट्रफ जो है उस पर्टिकुलर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो चक्रवाती परिसंचरण के तरफ से जाते हुए आगे बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। इधर एमपी के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्योपुर में झमाझम बारिश की वजह से क्वारी नदी उफान पर पहुंच गई। आगरा को विजयपुर से जोड़ने के लिए नदी पर बनाया गया पुल पानी में डूब गया। इससे आगरा सहित आसपास के 20 के करीब गांव और बस्तियों का विजयपुर से संपर्क कट गया है। सिवनी में भारी बारिश के चलते जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भर गया। आदिवासी बालक छात्रावास के कमरों में भी पानी भर गया। नरसिंहपुर में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश के बाद हालात खराब हो गए। बारिश में गोटेगांव क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और निर्माणाधीन पुल का अप्रोच रोड बहने से 10 से ज्यादा गांव का संपर्क कट गया है। दमोह में लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। जबलपुर में बरसात से नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया। नदी में आए उफान से नर्मदा के घाट डूब गए हैं। 20 साल में पहली बार नवग्रह मंदिर तक पानी पहुंच गया। जबलपुर में मूसलाधार बारिश से नर्मदा और सहायक नदियां उफान पर हैं। नर्मदा की सहायक गौर नदी की चपेट में बरेला के कई गांव आ गए। बरेला से लगे घुघरी गांव में गौर नदी का पानी घुस गया। गौर नदी में आई बाढ़ में खेत में रह रहे 11 ग्रामीण फंस गए, जिनका एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। 11 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कल सिवनी के संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ने के बाद वेन गंगा नदी में बढ़ते पानी के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे गांव को अलर्ट किया। साथ ही तहसीलदारों, स्वास्थ्य, खाद्य, जनपद और थाना प्रभारियों को भी अलर्ट किया गया। बता दें कि संजय सरोवर परियोजना भीमगढ़ बांध के 7 गेट खुले हुए हैं। इन 7 गेट से लगातार 70,000 घनफिट जल प्रति सेकेंड छोड़ा जा रहा है। वैन गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर डैम के गेट खोले गए हैं। हमारे गांव में 5-6 मकान में पानी चले गया है और 50 मकान प्रभावित हो गए, उसमें जिसमें कि उनकी व्यवस्था कर दी गई, स्कूल है, पंचायत है, सामुदायिक भवन में। रीवा में मुरुम कांड के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। मुख्य आरोपी गोकरण पांडे ने सरेंडर किया और खुद को बेगुनाह बताया। उसका कहना है कि महिलाएं खुद डंपर के नीचे बैठी, मुझे और मेरे परिवार को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया। इस मामले में महिला आयोग ने भी अधिकारियों को तलब किया था, मामले की रिपोर्ट मांगी थी और अब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है।
उसका कहना है कि महिलाएं खुद ही उसके डंपर के नीचे आकर बैठ गई थी और ये पूरी साजिश हो रही है उसके परिवार को फंसाने के लिए। तो मुख्य आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया, उसने सरेंडर किया और कहा कि महिलाएं खुद ही डंपर के नीचे आकर बैठ गई थी। इससे पहले महिलाओं का कहना था कि उन्हें दफनाने की कोशिश, जिंदा मुरम में दफन करने की कोशिश की गई थी और इस पूरे मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था, रिपोर्ट तलब की थी। अब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया और उसका कहना है कि महिलाएं खुद आकर डंपर के नीचे बैठ गई थी और उसके परिवार को फंसाने के लिए पूरी साजिश की गई है। ये तहसीलदार के आदेश में 50x10 वर्ग फीट रास्ता, उस रास्ते से हमने लाल मिट्टी अपने निजी कार्य हेतु ले जा रहे थे। रास्ता वहाँ से थोड़ा वो हुआ था तो बनाने के लिए कि रास्ता हम बना लें, तो JCB के माध्यम से बनाए और उधर थोड़ा जो लाल मिट्टी था तो उनका आधा गिरा, कहा आप उठा लीजिएगा, हम कहते हैं। इसके बाद उन्होंने रोकने लगा, गीता वो राम राम, आशा और ममता, ये दोनों। फिर वहाँ जब वो हुई तो जाके मिट्टी में डंपर के नीचे बैठ गई। हमने डंपर वाले को नहीं कहा कि गिराओ और न कहा कुछ, वो कहा कि बंद कर। रीवा में महिलाओं को मुरम के नीचे जिंदा दफन करने का ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। घटना में पीड़ित महिलाओं का हाल जानने के लिए कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल रीवा पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल पहुंचकर न सिर्फ महिलाओं का हाल जाना बल्कि सरकार को आड़े हाथों भी लिया। महिलाओं सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। हमारा निवेदन है कि एक तो महिलाओं को इलाज होना चाहिए और जिस हत्या का सीधे सीधे प्रयास था, और आज मोहन यादव जी हो, राजेंद्र शुक्ला जी हो या भाजपा की कोई भी महिला नेता, आज मौन है। इनका कोई इनकी कोई जानकारी नहीं ले रहा, इनके इलाज की कोई प्रबंध नहीं। आप देखिए ये दोनों पीड़ित महिलाओं की सोनोग्राफी के लिए इनको लाइन में लगा दिया गया है, जबकि एक और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, ये कैसा संज्ञान है। तो कई महिला आई थी यहाँ पे, उन्होंने जो मनगवा की हिनौता कोठार घटना है उसके संबंध में एक ज्ञापन सौंपा था कि उसमें जो कार्रवाई हो न्याय संगत न्यायोचित हो, तो उनको सभी को आश्वासन दिया गया है कि पूरी तरह से जो भी वेचना में साक्ष्य आएंगे, जो भी चीज़ें हमको मिलेंगी, उसी हिसाब से उसमें पूरी कार्रवाई होगी।